सोना और बांग्ला के संकल्प को सच करने के लिए एक विशाल लहर मैं मेरे सामने देख रहा हूं। चारों तरफ लोग ही लोग हैं और मैं बंगाल में इन दिनों जब भी आता हूं, एक के बाद एक रैली नए रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर रही है। भाई और बहनों, ये चुनाव सिर्फ सत्ता के परिवर्तन का नहीं है, बल्कि ये चुनाव आशोल परिवर्तन लाने का महायज्ञ है। ये चुनाव पश्चिम बंगाल की आकांक्षाओं का, नौजवानों के एस्पिरेशंस का है। आज पूरा बांग्ला एकता ही लक्ष्य, सोनार बांग्लार पुनर्निर्माण, बांग्लार गौरव के आबार आओ फिरिए आना लक्ष्य। आज सौष्टिक समय चले ऐसे थे जोखन आमराबार सोनार बांग्ला बनाबो। साथियों, 21वीं सदी के बंगाल को एक ऐसी सरकार चाहिए जो लंबे विजन के साथ यहां काम करे। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, तो बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो अगले 25 साल की प्लानिंग के साथ बंगाल को फिर से एक बार उसके स्वर्णिम काल में वापस ले जाए। लेकिन ममता दीदी के 10 साल का शासन इस बात का गवाह है कि उनके पास इसके लिए न विजन है और न ही इच्छा शक्ति है। किसानों के लिए दीदी का विजन क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि पर रोक। हेल्थ सेक्टर के लिए दीदी का विजन क्या है? आयुष्मान भारत योजना पर रोक। अर्बन प्लानिंग के लिए दीदी का विजन क्या है? रेरा कानून को लागू करने पर रोक। हाउसिंग के लिए दीदी का विजन क्या है? पीएम आवास योजना की सुस्त रफ्तार और ऊपर से कट मनी। सेफ वाटर, शुद्ध जल के लिए दीदी का विजन क्या है? हर घर जल मिशन के पैसे जो भारत सरकार ने भेजे हैं फाइलों में दबा कर बैठ जाना। आप मुझे बताइए, क्या जो इस विजन के साथ काम कर रहा हो वो बंगाल के सामर्थ्य के साथ न्याय कर पाएगा? इसलिए बंगाल की जनता ने, आप सभी ने ठान लिया है, दीदी को अब जाना ही होगा। दीदी को अब वैसे आज नंदीग्राम के लोगों ने ये काम पूरा कर दिया है। अब बंगाल की जनता
और इंतजार नहीं कर सकती। अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए बंगाल के लोग आज सिर्फ चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि वो बंगाल के पुनर्जागरण का मार्ग तैयार कर रहे हैं। साथियों, बंगाल के प्रतिभाशाली लोगों ने दुनिया को दिशा दिखाई है, हर क्षेत्र में दिशा दिखाई है। एक जमाने में समुद्री ट्रांसपोर्ट का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा केंद्र अगर देश का कोई था तो यही क्षेत्र था। वो भी दिन थे जब हावड़ा को इंजीनियरों का गढ़ कहा जाता था। ये संस्थान रिवर्स इंजीनियरिंग के उद्योगों के लिए जाना जाता था। ये वो समय था जब यहां सैकड़ों मेटल कारखाने हुआ करते थे, लेकिन गवर्नेंस की कमी ने, सुशासन की कमी ने ये सब तबाह कर दिया। नतीजा ये, यहां के बड़े बड़े कल कारखाने इतिहास हो गए। आयरन स्टील इंडस्ट्री हो, पीवीसी मोल्डिंग यूनिट्स हो, ऐसे अनेक उद्योग या तो बंद हो गए या बंद होने की कगार पर है। यहां के जूट उद्योग की स्थिति, जरी उद्योग की स्थिति सबसे आप भली भांति परिचित है। साथियों, जो भी बंगाल के पूर्वजों ने कमाया था, जो भी बंगाल के पूर्वजों ने जुटाया था, यहां जो भी सरकारें आई सभी सरकारों ने बर्बाद करके रख दिया है। आज दीदी की सरकार की पहचान क्या है? दीदी की सरकार यानी तोलाबाजों की सरकार, दीदी की सरकार यानी सिंडिकेट की सरकार, दीदी की सरकार यानी माताओं बहनों पर अत्याचार करने वालों की सरकार। और ऐसे में बंगाल का नौजवान सबसे ज्यादा परेशान है। तेजी से बदलती हुई दुनिया में यहां का नौजवान हर रोज नए अवसर गंवा रहा। नतीजा ये कि यहां के टीचर खून से चिट्ठियां लिखने के लिए